अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। महात्मा गांधी जयंती से लेकर 14 नवंबर तक जिले में पढ़ाया जाएगा कानून का पाठ। अकोला के सभी न्यायाधीश और न्यायालयीन कर्मचारी, अकोला बार एसोसिएशन अध्यक्ष, विधि स्वयं सेवक, विधि महाविद्यालय के छात्रों ने निकाली रैली। अकोला शनिवार 2 अक्टूबर को जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सुबह 8 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का पूजन कर प्रभात रैली को श्री खोबरागड़े प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश अकोला इन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। साथ में श्री स्वरूप बोस सचिव, जिला विधि सेवा प्राधिकरण अकोला, सभी न्यायाधीश और न्यायालयीन कर्मचारी, अकोला बार एसोसिएशन अध्यक्ष, विधि स्वयं सेवक, विधि महाविद्यालय के छात्रों ने रैली में हिस्सा लिया। इस रैली की शुरुआत जिला सत्र न्यायालय के मैदान से होते हुए अग्रसेन चौक, दामले चौक, रामदासपेट पुलिस स्टेशन, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल से होते हुए न्यायालय के प्रांगण में रैली का समारोह हुआ। रैली में पुलिस कर्मचारी, पत्रकार और विधि के छात्र समेत जिला विधि सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी पीए भांडरकर, श्री हरि टाकड़ीकर, राजेश देशमुख, कुणाल पांडे, शहबाज खान का साथ रहा। दिनांक 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक आजादी का अमृत महोत्सव जिला विधि सेवा प्राधिकरण और संयुक्त विद्यमान से अपने कानूनी हक की जानकारी मिले, इसलिए जन जागृति मुहिम की शुरुआत की। महिला और बच्चों के कानूनी हक की जानकारी अकोला शहर तथा सभी तहसील, पोस्ट ऑफिस और सभी सरकारी दफ्तर में भव्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का लाभ ज्यादा से ज्यादा नागरिक ले, ऐसा स्वरूप बोस सचिव जिला सेवा प्राधिकरण अकोला ने पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया। अकोला 24 न्यूज के लिए इरशाद अहमद की खास